यादव क्लासेस में आपका वेलकम। आज हमें ऐसी रस्सी से डोरमेट बनाएंगे, ये रस्सी बनाई कैसे है उसके बारे में बताएंगे। इसमें क्रोशिया और सड़ाई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ हाथ से ही रस्सी बनाई है। बहुत ही मजबूत और वो बहुत अच्छी है, कहीं इसका ज्वाइंट नहीं दिखाई देता, एकदम गोल दिखाई देती है, ऐसे जैसे खजूर की चोटी होती है उस तरीक़े से, ऐसे चारों तरफ से ऐसे। कैसे बनाई उसके बारे में हम बताएंगे। कोई भी आपके पास पुरानी साड़ी हो, दुपट्टा हो, लोअर हो, टी शर्ट हो, उसका आप एक एक इंच, जैसे एक इंच पीस कट कर लीजिए, ऐसे लंबे लंबे। बेडशीट हो, ऐसे एक एक इंच लंबे पीस कट करके और उसको ज्वाइंट करना। हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसे दो पीस हमने इसमें तीन कलर लगाए, तो आप ऐसे जितने भी आपको कलर आपके पास हैं ऐसे ज्वाइंट करके, ज्वाइंट करने के लिए ऐसे दो कलर लेना, उसको एक इंच फोल्ड करके और कट का निशान लगाना है। कट का निशान लगाया, अब एक कट को दूसरे कट में ऐसे डालना है। ऐसे डालने के बाद और उसको ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल के ये नोट हुई। ऐसे हमने ज्वाइंट करके इसमें और पूरा ऐसे बनाया पहले मंडल, उसके बाद हमने ये रस्सी बनाना, ये डिजाइन बनाना शुरू किया। ये कैसे बना वह हम बताते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे लगाना है, ऐसे लगाने के बाद ये हाथ से बनाया हमें, ऐसे लगा के इसके ऊपर से ऐसे चार उंगलियों से बनाया हमने, ऐसे ऐसे एक बार ऊपर से लिया, फिर इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, ऐसे। अब इसमें इसमें डबल हुआ, इसमें भी डबल करेंगे और ऐसे सभी में डबल करना है, ऐसे। अब ऐसे जो अब सभी में डबल हुआ, डबल होने के बाद इसको टाइट रखने के लिए ऐसे अंगूठे में लगाना और ये इसके ऊपर से ऐसे निकालना है, नीचे वाला ये कपड़ा ऊपर वाले से ऐसे निकालना है, ऐसे। और ये सिंगल इसमें रहा, अब इसको फिर दोबारा ऐसे इसके ऊपर से और इसके नीचे से ऐसे घुमाना है, ऐसे। अब इसके ऊपर से आया है तो इसके ऊपर से ऐसे और इसके पीछे से और इसके आगे से और यहाँ छोड़ना है। दोनों में, तीनों, चारों में डबल डबल हुआ, उसके बाद इसको कपड़े को ऐसे टाइट रखने के लिए अंगूठा में ऐसे लगाना है और ये नीचे वाला इसके ऊपर से ऐसे निकालना है, ऐसे। फिर सिंगल रखना है और फिर इसको ऐसे घुमाना है ऊपर से पीछे से, ये फिर आगे से इसमें इसके पीछे से, अब इसको इसके पीछे से आगे से और यहाँ ऐसे पकड़ना, फिर इसको इसके ऊपर से ऐसे, सिंगल रखना है फिर
ये ऐसे बनता हुआ जाएगा, तो थोड़ा बना के दिखाते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसे इस फर्स्ट वाली उंगली इसके ऊपर से लेना और बीच वाली के पीछे से, फिर इसको ऊपर से और ये सबसे छोटी इसके नीचे से घुमा के और ऐसे पीछे से, सब में डबल करना ऐसे घुमा के। ये ऐसे गोल आएगा अपना आप, पीछे से गोल होता हुआ ये पूरी रस्सी ऐसे बनेगी। आपको क्या है कि शुरू में आप इसमें लगा के ऐसे नोट भी लगा सकते हैं यहाँ उंगली के, और फिर इसके ऊपर से, इसके पीछे से, इसके आगे से ऐसे घुमा के और उसमें डबल डबल करके और पीछे वाला ऊपर से निकालना है ऐसे, इसके वो आगे से, इसके पीछे से, फिर इसके आगे से, फिर ऐसे ऐसे डबल होने के बाद बस इसके ऊपर से ऐसे निकाल। ये ऐसे रस्सी बनेगी। ऐसे रस्सी बनने के बाद यह हमने ये पूरी बना ली है, और इसके बाद हम इसको, आप इसको चौकोन बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, कैसा भी डिजाइन इसको बना सकते हैं, और फिर हम इसको सुई से सिल लेंगे। तो बनाएंगे कैसे वह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे रखना है, जैसे ये रस्सी शुरुआत वैसी हुई, लास्ट इसका ऐसे बंद करना है, तो लास्ट इसका ऐसे बना के और जैसे ये चारों उंगलियों से निकाल के और इनका ऐसे चारों को पकड़ के, ऐसे चारों को पकड़ के और इसको नोट लगानी है, नोट लगानी है कि खुले नहीं, ऐसे इसको बंद कर दिया और ये टाइट इसको नोट लगा दो ऐसे। ये नोट लगाने के बाद अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद इसको इसके चारों तरफ ऐसे बना। अब हम इसको सिलाई करेंगे ऐसे, आप इसको फैब्रिक वाले फेविकोल से चिपका भी सकते हैं और सुई से, ये बड़ी सुई है इससे हम सिलाई कर सकते हैं। तो सिलाई कैसे करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सबको ये सिलाई करेंगे, उसके बाद इनको सबको सिलाई करते हैं। अब इसको कैसे बनाना है वह हम, ये ब्लैक कलर हम बीच में देंगे और फिर ये वाइट कलर आएगा इसके ऊपर और उसके बाद ये रेड कलर आएगा। तो इसको ऐसे रखना है ऐसे, और इस सुई से सिलाई करते हुए हम
यहाँ से इसको और इसको दोनों को ऐसे अंदर की तरफ ऐसे सिलाई करें, ऐसे। ऐसे सिलाई करेगी, ये सिलाई दिखाई भी नहीं देगी और इसके अंदर सिलाई रहेगी और इसको हम ऐसे ऐसे 3 बार ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे चौकोन में ऐसे सिलाई करेंगे। उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे। पहले हम ये ऐसे ऐसे सिलाई लगाते हैं, उसके बाद इसको गोल राउंड में ऐसे करेंगे, उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो हम पूरा करते हैं इसको, सिलाई करके ऐसे एक बार इस साइड से लेना सिलाई, एक बार इस साइड से, ऐसे हमें फिर इस साइड से ऐसे पूरा हम सिलाई करके पूरा करते हैं। आप इसको फेब्रिक वाले फेविकोल से चिपका भी सकते हैं। तो हम सिलाई करके पूरा करते हैं। ये हमारा सिलाई करके तैयार। आप कैसे भी, जैसे इसको उल्टा भी डाल सकते हैं और सीधा भी डाल सकते हैं, कोई सिलाई नहीं दिखाई दे रही। और ऐसे ये हमारा डोरमेट तैयार, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा डिजाइन लगेगा, तैयार हुआ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।